गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर आज हम जो है चैप्टर जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, जैसे ये क्या है, फाइंड द शॉर्टेज कैन फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स बिटवीन द लाइन। कौन सी दो छोटे स्टैंड का नहीं, कौन कौन सी लाइन है। आर इक्वल टू क्या है, टू आई आई प्लस टू जे आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा टू आई प्लस जे प्लस के टू आई प्लस जे प्लस टू के। एक और आर है टू आई माइनस जे माइनस के टू आई माइनस जे माइनस के प्लस यू टू आई प्लस जे प्लस टू ये। देखो अब ये मान लिए दो लाइन है शॉर्ट डिस्टेंस आ रही, इसके क्या बदले कि ये दो लाइन एक तो इस पॉइंट से होकर जा रही है, मान लीजिए ए वन है, ये दूसरा क्या पॉइंट है। लेट टू लाइन पासेस या मानिए दो लाइन है, लेट ये जो लाइन है पहली ये लाइन है ए वन, इससे हो जा रही है, किससे हो जा रही है, ए वन इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस ए, बी वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू टू आई माइनस जे माइनस के। ए टू इज इक्वल टू टू आई माइनस जे माइनस के। अच्छा ये दोनों पैरेलल है, इन ये दोनों इसके ये दोनों एक है, क्योंकि ये पॉइंट ये लाइन इसके पैरेलल रेस्पेक्टिवली इन दोनों के जो सेम इसके पैरेलल है, इसके इनके पैरेलल है। ये किस वेक्टर के हैं, v इक्वल टू क्या है टू आई प्लस जे प्लस टू ए, इसके वेक्टर है, क्योंकि ये ए वन और ए टू आर द पैरेलल टू द इस वेक्टर के लिए पैरेलल है, इस वेक्टर के लिए पैरेलल है। तो इनकी डिस्टेंस का बिटवीन का फॉर्मूला क्या देता है, वो देता है बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन बी टू माइनस क्या है बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन B, ये होता है, ये क्या है बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन ए। अब इससे वैल्यू क्या जाएगी इतनी, हाँ अच्छा क्रॉस में तो क्या जाएगा ऊपर आई जे के, ये तो आने जाना है बी बी क्या है टू वन टू बी को बी वेक्टर क्या टू वन टू क्या जाएगा टू वन टू, इसकी ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस टू माइनस इसका वन है कुछ टू वन माइनस वन क्या जाएगा वन, ये क्या जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस वन थ्री टू वन वन माइनस थ्री
ये क्या आएगा माइनस वन और ये माइनस वन क्या आएगा ये माइनस टू यस अपॉन बी बी की वैल्यू क्या है टू का स्क्वायर मोड बी टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर क्या आएगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ गया आई जे के टू वन टू वन माइनस थ्री माइनस टू ये क्या आ गया वन अपॉन रूट नाइन वन अपॉन रूट नाइन क्या मतलब थ्री आ गया क्या आ गया वन अपॉन थ्री आ गया क्या आ गया वन अपॉन थ्री इसके ये कि अपॉन में थ्री आ गया क्या है कि अपॉन में थ्री आ गया क्या आ गया इसके अपॉन में इसको सोल्व कर लेंगे तो वो ये आई का छुपोगे एक ए को बताओ तो सोल्व करके क्या आ रहा है इसको ये फोन में थ्री आ गया इससे थ्री पे एक ही बात है बताओ क्या आ गया देखो ये क्या आ गया माइनस टू और प्लस सिक्स क्या आएगा फोर क्या आएगा फोर आई क्या आ जाएगा ये फोर आई क्या आ जाएगा बोलो फोर आई बताओ क्या आ जाएगा ये क्या आएगा फोर आई माइनस फोर आई माइनस माइनस टू फोर माइनस टू माइनस सिक्स जे प्लस सेवन के अपॉन थ्री और ये थ्री मोर क्या ये तो आ गया फोर आई माइनस सिक्स जे प्लस माइनस सेवन जी इसमें क्या आएगा माइनस के सेवन जी माइनस प्लस यही थर्टी सिक्स प्लस अपॉन थ्री ये आ गया फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन हंड्रेड वन क्या है छः छः बारह नौ इक्कीस चार तीन दस सात एक नौ एक दस वन हंड्रेड वन अपॉन थ्री दैट इज हंड्रेड परसेंट ये आ गया वन हंड्रेड वन अपॉन थ्री अगर मान लिया इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी हो कितनी निकालनी हो आर इक्वल टू I प्लस टू जे प्लस के देन इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस के तो इसकी क्या निकाल सकते हैं ये जो है ये जो है इसकी इजीली निकाल सकते हैं इसका ठीक है क्योंकि ये मानिए ये पॉइंट है ये वाला ये फिर का ये इसके दोनों ही सेम है दोनों इसके क्या है इसके लैम्ब्डा के परपेंडिकुलर है तो इसके क्या आ जाएगी बी क्रॉस ए टू माइनस वन अपॉन ए तो ये आ जाएगा फाइनल ठीक ये इसकी वैल्यू लिखे गए ये आ गया फिर इसकी मोड लिखी आ गया सर आगे वन हंड्रेड वन अपॉन थ्री ठीक है भाई आगे बढ़े जैसे एक सवाल हो रहे हैं इन द स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू इन द स्ट्रेट लाइन इन द स्ट्रेट लाइन
एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एफ, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स, वाई इक्वल टू थ्री प्लस लैम्डा एफ, थ्री माइनस के लैम्डा एफ, जेड इक्वल टू वन प्लस लैम्डा एफ, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स, वाई इक्वल टू थ्री माइनस लैम्डा एक्स, जेड इक्वल टू वन प्लस लैम्डा एक्स, एक और इक्वेशन है एंड ये दूसरी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू टी बाई टू वाई इक्वल टू वन, वन प्लस टी, एक और है जेड इक्वल टू टू माइनस टी, ये इक्वेशन है ये इसका है वेयर पैरामीटर एस एंड टी, वेयर एस एंड टी आर पैरामीटर, वेयर एस एंड टी आर पैरामीटर रिस्पेक्टिवली ये दोनों लाइना आर कोप लेन दी है, क्या है ये दोनों लाइन क्या क्या है कोप लेन दी है, फाइंड लैम्डा, इस लैम्डा की वैल्यू निकाल दिए, ये दो लाइन है, ये दोनों जो है एस एल टी पैरामीटर है और ये दोनों लाइनें क्या है कोफ्रेंसी है, ये कैसी लाइन है कोफ्रेंसी है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ठीक। अच्छा अब अगर मैं इसको क्या ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले सकता हूं मैं एक्स प्लस वन, ठीक है क्या लिखता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन एच लिखता हूँ एक्स प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू एस, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ सिमिलरली एफ प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ वाई माइनस थ्री, क्या लिख सकता हूँ वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस लैम्डा, क्या लिख सकता हूँ वाई माइनस थ्री, वाई माइनस थ्री माइनस लैम्डा, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं जेड माइनस वन लैम्डा इक्वल टू एस, ठीक। इसी तरह इसको क्या लिखता हूं मैं एक्स इक्वल टू टी बाई टू, एक्स इक्वल टू टी बाई टू, इसे लिख सकता हूं एक्स माइनस जीरो एक्स, ये वन पॉइंट है ना, ये है ये लिख सकता हूं टी हाफ है, ये टी हाफ टी मल्टीप्लाई बाई हाफ, ये है एक्स इक्वल टू थ्री, लिख सकता हूं एक्स माइनस जीरो अपॉन हाफ इक्वल टू टी, ये लिख सकता हूं इसे, इट इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस जीरो अपॉन हाफ, एक्स माइनस जीरो अपॉन हाफ, एक्स माइनस जीरो अपॉन हाफ, इसे क्या लिख सकता हूं मैं वाई माइनस वन अपॉन वन, इसे लिख सकता हूं वाई माइनस वन अपॉन वन, इसे क्या लिख सकता हूं मैं z माइनस टू टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू टी किया, दे रखा है ये दे रखा है, ये जो है दोनों जो है कोऑपरेटिव है, क्या है दे रखा है, क्या है ये दोनों दोनों कोपलेर है, तो क्या जाएगा ये लिख सकता हूं इसे, इसे लिख सकता हूं एक्स प्लस वन माइनस माइनस, इसे ये लिख सकता हूं ये है ना एक्स प्लस वन को क्या लिख सकता हूं एक्स माइनस माइनस वन, तो क्या जाएगा जीरो
माइनस माइनस वन प्लस आ जाएगा जीरो प्लस वन, ये जाएगा वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री और क्या आएगा ये टू माइनस वन, ये क्या आएगा टू माइनस वन भैया, ये ना एक्स प्लस वन, ये क्या था एक्स प्लस वन, ठीक है ये क्या आ गया, ये जीरो प्लस वन, फिर इनके क्या जाएगा, इसके इधर क्या जाएगा वन माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, क्या वन माइनस लैम्डा, ये लैम्डा ये क्या आएगा वन अपॉन हाफ वन एंड माइनस वन, ये कितना आना चाहिए फोर जीरो, क्या लेना चाहिए ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, व्यू आएगी क्या आएंगे फोर फोर प्लेनर, फोर प्लेनर के लिए इस ग्रेड डिटरमिनेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, व्यू आनी चाहिए इसका ये टू वन इसमें चाहिए इसमें चाहिए इसमें चाहिए, ये डी आर इसके एनी के लिए फिर इसके एनी के लिए फिर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए व्यू, इसको सोल्व करो क्या आ जाएगा भाई, देखो वन करूंगा मैं यहां से, ये वन ही तो है, जीरो प्लस वन कितना जाएगा वन, यहाँ क्या गया लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा क्या आएगी लैम्डा माइनस लैम्डा क्या आएगी वन मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस लैम्डा, फिर क्या आ जाएगी यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस टू, यहाँ क्या आएगा भैया माइनस टू, माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा इसके क्या आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस लैम्डा अपॉन टू ये आ गई, फिर प्लस वन आ गई, वन प्लस वन बाई टू लैम्डा, वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या जाएगा जीरो, ये क्या आ गई ये तो जीरो आ गई, ये क्या आ गई माइनस टू माइनस लैम्डा प्लस वन प्लस हाफ लैम्डा इक्वल टू जीरो, माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस लैम्डा प्लस हाफ प्लस के माइनस के लैम्डा हाफ इक्वल टू टू, ये माइनस टू प्लस वन हाफ माइनस लैम्डा माइनस के लैम्डा इक्वल टू, तो वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू लैम्डा माइनस वन लैम्डा इक्वल टू माइनस टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस टू आ गई, इसके लिए क्या था इक्वेशन देखो भाई, ये दो इक्वेशन में थी क्या थी है? ये देखो दो इक्वेशन में थी, ये क्या इक्वेशन में थी, ये देखो दो इक्वेशन है एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू क्या थी माइनस वन प्लस एस थी ये, और वाई इक्वल टू थ्री माइनस लैम्डा एक्स जेड इक्वल टू वन, इसको जो है और ये थी एक्स इक्वल टू टी बाई टू वन प्लस टी जेड इक्वल टू माइनस टी, इसको क्या कर लिया इस फॉर्म में लिख लिया एस के वेयर एस एन टी क्या था पैरामीटर था, और ये दोनों लाइन है कोपलर है, दोनों कोपलर है, दोनों क्या इनकी इंटीमेशन की हुआ था ए टू माइनस ए वन अभी बताया था बी वन बी टू सी, ए वन ये बताया था मैंने ए टू माइनस बी वन बी टू बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री क्या होना चाहिए जीरो आना चाहिए डेफिनेशन की वैल्यू, तो इसको पैरामीटर इसको बदल के ये लिख लिया एक्स इक्वल टू ए प्लस वन वो ये आ गया ये आ गया, ठीक एक्स प्लस वन का मतलब होता है एक्स माइनस माइनस वन, अगर इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि होती है ना एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, इसका पढ़ेगी ना कि मैंने ये क्वेश्चन हो इसका बनाने के लिए, अच्छा ये अगर ये कोप्लेनर है अगर ये कोप्लेनर है तो ये डिटरमिनेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए, इसको सोल्व कर लूंगा लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू, दैट इज आंसर दैट इज आंसर, आगे पढ़ते हैं ये
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट वन वन वन, पासेस थ्रू द पॉइंट वन वन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एंड इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस टू अपॉन वन वाई माइनस थ्री अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन फोर। ये एक लाइन है, इससे ये पॉइंट है, इससे पास हो रहे हैं, इससे पास हो रहे हैं इस लाइन से एक्स माइनस वन अपॉन। मान लीजिए वो लाइन से वो लाइन है, मान लीजिए इससे पास हो रहे हैं, लेट द इक्वेशन इज, लेट जो इससे पास हो रहे हैं वो क्या इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन इज दैट द इक्वेशन इज पासेस टू पॉइंट, किससे पॉइंट हो रहे हैं पास वन वन से, वन वन से पास हो रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू वन इक्वल टू बी इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन सी, ये आ जाएगी ये इसकी इक्वेशन आ रहा है। और दिस लाइन, ये लाइन जो इंटरसेक्ट करती है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसे मान लिया ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इंटरसेक्ट की लिखेंगे टर्म इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्ट, किस लाइन को इंटरसेक्ट करिए, किस लाइन को इंटरसेक्ट करिए, किसे एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर, इसको ये इंटरसेक्ट करिए, किस लाइन को, ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर वही है वो जो भी बताया था वन माइनस वन कब करेगी इंटरसेक्ट ये लाइन, अगर ए बी सी की वैल्यू टू थ्री फोर ना हो, ए बी सी की वैल्यू क्या ना हो, ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों ये ना हो टू थ्री फोर, कब करेगी, मान लिया क्या आ जाएगी वन माइनस वन, वन माइनस वन टू माइनस वन थ्री माइनस वन क्या आएगी, वन माइनस वन क्या जाएगी, वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन टू माइनस वन, टू माइनस वन थ्री माइनस वन, ए बी सी, ए बी सी ये क्या आएगा टू थ्री फोर, टू थ्री फोर ये इज इक्वल टू, अच्छा इसकी वैल्यू अगर इंटरसेक्ट कर रही है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, कितनी आएगी ये जीरो आएगी, इसको सोल्व कर लेंगे, ये क्या आएगी वन माइनस वन कितना आ जाएगा, ये वन माइनस वन कितना आएगा जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू ए बी सी टू थ्री फोर ठीक है, ये क्या आ गई शुरू से, इसको जीरो को तो जीरो हो जाएगा, फिर इसको इसके लिए क्या जाएगा शुरू फोर क्या जाएगा शुरू उसको सोल फिर क्या जाएगा,
गया a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ गई पहली केस। अब ये वाली लाइन इक्व इंटरसेक्ट करती है किसको, अब किसको कर सकती है, अब किसको, मान ली ये वाली लाइन, मान ली ए लाइन है ये, अगेन लाइन ए इंटरसेक्ट किसे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, किसे लाइन को, एक्स प्लस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू, या जेड प्लस वन इसे कहते हैं, जेड माइनस माइनस वन अपॉन फोर, इसको ये कर दिया, ठीक। फिर इसको मैं एक और फॉर्म में, फिर इसको इसी फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, यही ये डिटरमिनेशन से इससे क्या आएगा ये, टू माइनस वन क्या आएगा, हाँ टू कहा ये, हाँ टू माइनस वन फिर टू माइनस वन फिर क्या आएगा, थ्री माइनस वन ये क्या जाएगा, फिर ये माइनस वन क्या जाएगा, माइनस वन क्योंकि ये है, ये माइनस वन है और ये थ्री है, इसलिए माइनस वन ए बी सी थ्री आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, फिर इसके क्या जाएंगे, वन टू फोर, फिर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, क्या जाएगी वैल्यू, क्या जाएगी इसकी वैल्यू, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू माइनस टू, ए बी सी वन टू फोर, ये आ गई इसकी वैल्यू, वैल्यू निकालने से क्या आ जाएगी, ये a + 5b - 4c क्या आगे, 6a + 5b - 4c = 0,
जो एक इक्वेशन ये क्या आ गई, ए माइनस टू बी प्लस सी, ये क्या आ गई है, सिक्स ए प्लस फाइव बी माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो। अब जो ये सोल्व होती है, देखो ये कितने अननोन है, ये दो तीन अननोन है ए बी सी, और कितने क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है। सोल्व करने के लिए किसी लीनियर इक्वेशन को जितने अननोन नंबर होते हैं उतने ही वेरिएबल होते हैं, उतनी ही क्या इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये सोल्व नहीं होगी। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन उसको होता है मेथड होता है, उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किस तरह करते हैं, यानी सीधे ए अपॉन लिख दिया, ए अपॉन फिर बी अपॉन फिर सी अपॉन, एक अपॉन ए अपॉन में क्या जाएगा, ये इसकी ये बी अपॉन में ये माइनस ये वही कर लेते हैं, तो इसमें क्या जाएगा एक्स इक्वल टू ए अपॉन क्या जाएगा, ये फाइव, ये क्या आएगा एट, फाइव और ये क्या आएगा एट और फाइव क्या आएगा थ्री, क्या आएगा ए अपॉन क्या जाएगा, ओनली निकाल लो ए अपॉन थ्री आ जाएगा, बी अपॉन टेन आ जाएगा, सी अपॉन सेवनटीन, ठीक क्या आएगा ए अपॉन थ्री बी एफ, जब बी वाई करूंगा छपूंगा इसकी ये माइनस ये, जब सी वाई छपूंगा इसकी ये नो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, जब ए पे छपूंगा इसकी ये माइनस ये, एट माइनस फाइव क्या आ जाएगा माइनस थ्री, इस तरह ये बी वाई छपूंगा ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा सिक्स प्लस फोर, सिक्स प्लस माइनस माइनस फोर, सिक्स प्लस फोर टेन, थ्री छपूंगा ये ए फाइव, फाइव प्लस टेन सेवनटीन, ये आ गया ए अपॉन थ्री बी अपॉन टेन सी अपॉन सेवनटीन, ठीक है। और ये इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या आ गई, वो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स माइनस किससे पास होगी जा रही हो, इस इक्वेशन से किससे पास पास हो जा रही, ये वो आ गया, तो निकालते हैं एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन सेवनटीन, ये इक्वेशन आ गई ग्यारह। ठीक है आगे बढ़े, नया टॉपिक है प्ले, अगर एक प्लेन क्या होता है, इफ ए प्लेन इज ए फिगर इफ वी हैव टू पॉइंट्स ऑन इट, इफ वी हैव टू पॉइंट्स ऑन इट देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम विल बी कंप्लीटली ऑन द सरफेस, कंप्लीटली ऑन द सरफेस, अगर कोई प्लेन है उनके ऊपर दो हम पॉइंट ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या ले रहे हैं दो पॉइंट ले रहे हैं, और उसको लाइन को ज्वाइन को ज्वाइनिंग करते हैं, तो क्या होता है वो, देन इट विल बी टू द then it will be completely to the surface, वो लाइन जो है उस भी सरफेस पे होगी, जैसे मान लिया ये कोई आर कोई वेक्टर है, ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में ये निकाल, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ऑफ ए नॉर्मल फॉर्म,
जैसे मान लिया ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई प्लेन है, ये कोई ओ है, यहां से यहां तक की जो एन है, यहां से यहां तक की जो कोई पी है, ये पी है, ये आर है वेक्टर, ये ओ है, ओ पी ओ आर है वेक्टर, आर है, एन है, ये कोई इस पर जो है ये परपेंडिकुलर है एन, ये एन जो है यूनिट वेक्टर है, एन जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है, माने कैसे है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओ एन, ओपी इक्वल टू ओ एन है, मान लिया लेट डी इज द डिस्टेंस, लेट डी इज द डिस्टेंस, लेट डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर डी की डिस्टेंस है लेट लेट प्लेन, लेट डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और कैसी डिस्टेंस है ये, डी नॉट इक्वल टू जीरो, डी कैसी होनी चाहिए, जीरो भी होनी चाहिए, डी कैसी होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एन, एन इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए नॉर्मल वेक्टर, एन ये जो एन है, ये एन है, ये इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन, जो ये ओ एन है, जो ये ओ एन है, ओ एन है छोटी डिस्टेंस है, मान लीजिए ओ एन है, ये दिखा रखी है ओ एन है, ओ एन है ये डी एन के तरीका ये है, छोटा सा वेक्टर है ये, तो इसका जो फॉर्मूला जाएगा, इसका जो इसकी जो होता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, आर वेक्टर मल्टीप्लाई एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, डिस्टेंस के बराबर होता है, इक्वेशन प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द नॉर्मल क्या जाता है, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये जाता है, ठीक, ये हो गई यूनिट, ये क्या हो गई, ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक है कार्टेशियन फॉर्म में, एक है कार्टेशियन फॉर्म में, क्या हो गई, अगर मान लिया ये कोई एन से यूनिट वेक्टर ही है, ये कार्टेशियन फॉर्म में, एन से यह यूनिट वेक्टर ही हो गई, हो ये कोई पी पॉइंट है, जो एक्स वाई जेड, ये पी पॉइंट है, कोई क्या पी पॉइंट है, जो एक्स वाई जेड, पी पॉइंट क्या है, जो एक्स वाई जेड किस प्लेन, मान एन अनफॉर्मेड एन वेक्टर ओ पी इक्वल टू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कोई ओपी कोई वेक्टर है और इसके ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है, इसके देयर डिसीज आर इन वेक्टर हैव डिसीज आर एल एम एन, इसके यूनिट वेक्टर के डिसीज हो गए एल एम एन, एल इसके यूनिट वेक्टर के डिसीज होंगे एल एम एन होंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर के डिसीज कितने होंगे एल एम एन, यूनिट वेक्टर के डिसीज कितने होंगे एल एम एन,
तो अगर इनके एन घट से होंगे तो एन इक्वल टू क्या आ गया, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये इसकी इमेज वेक्टर क्या आ गई, एन ई की यू आ जाएगी एल आई। अगर इनकी डिस्टेंस डी है, अगर क्या है डी इज द क्या है डिस्टेंस है, तो ये क्या आ जाएगा इनकी एल इसकी मल्टीप्लाई करके एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा के आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस क्या जाएगा ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द कार्टेशियन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, क्या आ गया एल एक्स प्लस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज द नॉर्मल फॉर्म, क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। डी क्या है, इसकी वो यूनिट कार्टेशियन फॉर्म क्या है, इसकी यूनिट वेक्टर है दिस इज कौन से एलिमेंट है, एक कोई पी पॉइंट है, इसके को भी जो वेक्टर क्या आ गया पी वेक्टर है एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड आ गया, और इसके जो डिसी है तो इक्वेशन क्या एल आई प्लस एम जे प्लस एन के आ गया वेक्टर। अगर ये दोनों जो है इनकी डिस्टेंस डी है तो क्या आएगा एल डॉट एक्स प्लस एम डॉट वाई प्लस एन डॉट जेड, क्योंकि दोनों ये है एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये है डिस्टेंस नहीं। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ आई बेटो, देखो अब अगर एक हो जाए कोई छोटी एक तो है, अगर मान लिया कोई इक्वेशन है आर डॉट, ये कोई वेक्टर है आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस पी के, ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी इव आ वेक्टर ऑफ अ प्लेन, एक एक वेक्टर ए आर ए आई प्लस बी ए प्लस सी के इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है ऑफ ए प्लेन, ये वेक्टर इक्वेशन है इसकी है प्लेन की है, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या होगा डी होगा, क्या होगा इन द कार्टेशियन, इन द कार्टेशियन प्लेन फॉर्म, इन द कार्टेशियन प्लेन नॉर्मल फॉर्म ये क्या होगा, ये होगा वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल प्लेन, दिस ए ए बी सी भी क्या है डायरेक्शन रेशियो बी आर एस, ए बी सी आर बी आर एस ऑफ द नॉर्मल प्लेन, अगर आर आर लो ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी इधर वेक्टर इक्वेशन प्लेन है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू सी, ए बी सी क्या है बी आर एस है दोनों प्लेन भी, क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या जाएगा ये डी एल, जैसे ये कोई तो सवाल लगाते हैं क्वेश्चन,
जेट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज डिस्टेंस इज फोर अपॉन 41, विच इज डिस्टेंस प्लेन इज 4 अपॉन 41 फ्रॉम द ओरिजिन, क्या है फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विच इज डिस्टेंस 4 अपॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज नॉर्मल टू द वेक्टर, इज नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द वेक्टर, किस वेक्टर क्या है 2i + j - 3k, क्या है 2i + j - 3k, क्या है 2i + j - 3k, अच्छा n वेक्टर है, क्या है मान लीजिए n वेक्टर है नॉर्मल का 2i + j - 3k, और ये यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एन अपॉन मोड है, ये तो होता है वेक्टर एन अपॉन मोड है, क्या होता है 2i + j - 3k, ये आ जाएगा इसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 2i + 3 + j - 3k अपॉन 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आएगा अपॉन 14, दैट इज 14 आ गया, ये कितनी आ गई इसकी वैल्यू 14 आ गई, और इसकी जो जो नॉर्मल की जो डिस्टेंस है वो देखती है इसकी 4 अपॉन 40, और अभी नॉर्मल प्लेन का फॉर्मूला बताया था आर वेक्टर, आर वेक्टर इन वेक्टर इक्वल टू क्या बताया था 1, क्या बताया था आर इन वेक्टर इक्वल टू ये, और जब ये इसका यूनिट वेक्टर की डिस्टेंस है तो क्या है आर वेक्टर, आर वेक्टर 2i + j - 3k अपॉन 14 इक्वल टू ये क्या आएगा 4 अपॉन 14, वो था ना फॉर्मूला, ये था यूनिट वेक्टर आर, आर वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी प्लेन, ये था आर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आर वेक्टर दो यूनिट इक्वल टू डी, 14 से 14 चला जाएगा, ये आ गया इससे जाएगा क्या आ गए आर इक्वल टू 2i + j - 3k = 4, ये तो क्या आ गया इसका वेक्टर फॉर्म में आ गया, अगर कार्टेशियन फॉर्म में आता है कार्टेशियन फॉर्म में से क्या लिख सकता था 2x, क्या लिख सकता 2x + y - 3z = 4, और अगर ये डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है डिस्टेंस प्लस माइनस में होती है, क्या होती है ये तो ये प्लस माइनस की चीजें मिलते हैं, प्लस माइनस प्लस की हो सकती है और माइनस की भी, प्लस माइनस 4,
भाई बात में भाई ये रहेगा। अरे बात तो आगे बढ़े। हाँ आर इक्वल टू ये है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द टू आई प्लस जे प्लस टू के इक्वल टू फाइव। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पर पेंडिकुलर टू द प्लेन। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आर इक्वल टू है टू आई प्लस जे अच्छा जी तो क्या जाएगा वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या जाएगा। ये मान लीजिए एन नॉर्मल है तो वो क्या जाएगा एन अपॉन मोड है, ये क्या जाएगा टू आई प्लस जे प्लस टू के। ये मान लीजिए एन नॉर्मल की है एन बराबर ही है टू आई प्लस जे प्लस टू के, ये अपॉन क्या है टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये क्या है टू आई प्लस जे प्लस टू के अपॉन नाइन इक्वल टू क्या है टू आई प्लस जे प्लस टू के अपॉन और ये था सिंपल। एक और आगे क्वेश्चन है धन्यवाद।
देखो भाई, अब एक इक्वेशन है, फाइंड द, दैट्स द इक्वेशन क्या है, एक फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू थ्री आई माइनस फाइव के प्लस सेवन के पर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस सेवन के एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव जेड, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू एट। ये कोई क्या है, ये कोई लाइन पासिंग थ्रू थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस सेवन के है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू एट है, तो इसका क्या करना है, देखो जो ये प्लेन है, कौन सा प्लेन है, ये है प्लेन कौन सा है, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू ए, ठीक। अब ये स्थिति है, ये थ्री आई है माइनस फोर जे, ये क्या है माइनस फोर जे प्लस फाइव के और ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू आर, ये की वो फोर में जाएगी। अगर ये प्लेन है तो ये इसे ये लिख सकता हूं भाई, ठीक है, और अच्छा d इक्वल टू जो ये प्लेन थ्रो है, d इक्वल टू क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव के, क्या है थ्री आई माइनस फोर जे प्लस के फाइव के, ये d दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, ये d d इक्वल टू इधर नॉर्मल होगा गिवन लाइन, अच्छा जब ये नॉर्मल होगा गिवन लाइन होगा आर इक्वेशन क्या रहेंगे, आर इक्वल टू क्या रहेगा, ये थ्री आई प्लस थ्री आई माइनस फाइव जे थ्री आई माइनस के फाइव जे प्लस सेवन के फाइव जे थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस सेवन के प्लस लैम्डा लगा के, तो लैम्डा लगा के इसको बी देंगे जोड़ेंगे, फिर भी लैम्डा थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव जे थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव जे, तो ये है इसकी इक्वेशन, ये लैम्डा इज द पैरामीटर, ये लैम्डा इज द क्या था, ये वेक्टर इक्वेशन की ओर प्रिंसिपल लाइन, ये थ्री आई माइनस फोर जे की है थ्रो से है और ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द, अगर ये प्लेन की आई है ये थ्री से क्या लिखता हूँ आई जे प्लेन को, उसमें थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव जे इंटू एक्स, मतलब पॉइंट पी था, मतलब क्या है वो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे उसको जो है ये क्या है एक्स क्या है वो एक्स आई प्लस वाई ए प्लस जेड की, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट की जोड़ प्रोडक्ट क्या आ गई एट आएगी, क्या आएगी वो
इसके है एक्स वाई जेड, तो इसकी जो है इसकी और इसकी जो है डॉट इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डी आर इंटू एन इंटू डी आ जाएगी। तो इससे ये निकाल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल एट ए गिवन वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एट ए गिवन पॉइंट आर गिवन पॉइंट आर गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर एंड नॉर्मल टू आर गिविन वेक्टर, ठीक है। अब ये कोई प्लेन है, ठीक, ये कोई प्लेन है, इस पे क्या है, ये कोई यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या यूनिट वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये बस ए ए है, ये ई आर है, ठीक है। तो इसका इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आता है, आर माइनस, वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, आर माइनस ए एन दो एन बराबर जीरो, ये फिर क्या वेक्टर फॉर्म है, क्या आ गई एक इक्वेशन, एक प्लेन है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से होकर जा रही है, एक पॉइंट से होकर जा रही है एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर, एक नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर का ये निकालना है। अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट से होकर जा रहा है और नॉर्मल टू द वेक्टर ए, अगर नॉर्मल टू द वेक्टर एन है तो क्या आएगा, आर माइनस एन ए एन सी मिलता है, और एक कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, मान लीजिए आर इक्वल टू कोई वेक्टर है, आर इक्वल टू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कोई वेक्टर है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये कोई ए वेक्टर है, ए वन वेक्टर, ए वेक्टर है क्या है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ये कोई वेक्टर है, बी वेक्टर है, एन वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, एन वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे, एन वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस ठीक है, ये है एन वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी जे, इसकी क्या कार्टेशियन फॉर्म होगी, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगी, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, वेयर एक्स वाई जेड इज द कोएफिशिएंट ऑफ द कार्टेशियन ऑफ द इक्वेशन, वेयर एक्स वाई, वेयर कोएफिशिएंट और एक्स वाई जेड आर द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर द डिफील ऑफ द डी आर एफ ऑफ द डी आर एफ क्या है, ए बी एक्स वाई जेड क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड क्या है,
डायरेक्शन जो है वो जीवन पर्यंत की ओर इक्वेशन दे रहे हैं। देखो क्या है, एक वेक्टर इक्वेशन है वो प्लेन हैविंग थ्रू एक गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल प्लेन जो वेक्टर है पॉइंट से होगी जाने तो क्या है ये वेक्टर फॉर्म की आगे इसकी ये होगी वेक्टर फॉर्म की आगे इसकी वेक्टर फॉर्म होगी आर माइनस ए डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू और ये कार्टेशियन फॉर्म ये होगी ए ये भी याद कर लेंगे ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो ये इसकी जो है कार्टेशियन फॉर्म। आगे बढ़े भाई अभी मैं क्या लिखी थी क्वेश्चन आर माइनस अभी आई थी ना वेक्टर फॉर्म में आर माइनस इक्वल टू जीरो क्या है इसको मल्टीप्लाई करना क्या गया आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो क्या आ गई आर डॉट ए इक्वल टू ए डॉट एन इसका अगर ए डॉट एन की वैल्यू मान लिया डिस्टेंस डी आर डॉट एन की वैल्यू क्या हो मान लिया या ए डॉट एन की वैल्यू क्या हो डी हो इसकी वैल्यू आर डॉट ए इक्वल टू डी वेयर डी वेयर ए डॉट एन इक्वल टू डी हो अगर ये इस तरह आ जाए बाई चांस ये है आर डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा डी आ जाएगा इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए प्लेन ये फिर इट इज कॉल्ड द इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए प्लेन इट इज कॉल्ड टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए प्लेन आर इक्वल टू एन डी वेयर जी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वेयर डी इज क्या है डी इज द क्या होता है डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डी इज क्या है डी इज की डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन और एन इज द यूनिट वेक्टर देन एन इज द क्या है यूनिट वेक्टर एन इज द यूनिट वेक्टर डी इज द क्या है ये आ जाएगा तो अगर मैं इसको यूनिट इसको क्या है इसको ये है आर डॉट एन ये एन है भैया एन है यार ये आर डॉट एन इसको मोड एन को दोनों तरफ से डिवाइड कर दूंगा सही है इस वेक्टर के मोड को दोनों तरफ से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आएगा ये वेक्टर अपॉन एन इक्वल टू क्या आएगा ये आर वेक्टर एन ये यूनिट वेक्टर आएगा ये आएगा डी अपॉन एन डी अपॉन ये भी एक वैल्यू है इसके लिए क्वांटिटी भी स्केलर स्केलर से क्वांटिटी करके ये आएगा पी इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वी हैव पी इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन वेयर पी इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ये आर माइनस ए माइनस एन ये भी पढ़ाया मैंने जिसको भी क्या पढ़ाया ये पढ़ाया इसकी एन के अंदर डिमेंटेशन कर दी क्या आ गई आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन
इसको मैं इधर ले आऊंगा, स्पेशल केस हो गया, क्या आ गया, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। ये ए बी जो है, ए डॉट एन जो है स्केलर प्रोडक्ट है, ये तो एक क्वांटिटी आएगी डी, मान लिया स्केलर प्रोडक्ट डी, आर एन इक्वल टू डी। इसको जो है इसको अब मोड एन के जो है इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो डी अपॉन ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, रैक दैट इज इक्वल टू पी, तो आर वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या आ गया, आर वेक्टर एन वेक्टर क्या आ गया, ये पी आर। ठीक, सो यही एक स्पेशल केस हो गया, क्या स्पेशल केस हो गया, ये आर एन इज इक्वल टू पी, आर एन इज इक्वल टू पी। एक ये था वैसे कार्टेशियन फॉर्म का, ये था और इसका वो क्या था वेक्टर, उसका अभी होता है कार्टेशियन फॉर्म क्या था, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो ये फॉर्मूला था वेक्टर कार्टेशियन का, वेक्टर फॉर्म ये था उसका, और इसके स्पेशल केस क्या आ गया, आर डॉट एन इज इक्वल टू ये पी आ गया। ये सारे पॉइंट्स ठीक है, अब इसकी कहीं अगर जरूरत पड़ेगी हम इसको जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम कोई, ठीक है आज के लिए इतना ही है, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें, ठीक, अंडरस्टैंड, थैंक्स ऑफ ऑल यू, आज के लिए इतना ही।